जय हिंद। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बुतियुर रहमान अजीज मौजूद हैं। आप महिला एम्पावरमेंट पार्टी एमईपी के उत्तर प्रदेश के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, कारगुजार सदर हैं। आज हम इनसे इनकी पॉलिटिकल पार्टी और इनकी नेता डॉक्टर नौहीदा शेख के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बुतियुर रहमान, समाचार में आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप वक्त निकाल करके हमारे पास आए। बुतियुर रहमान, ये बताइए कि जो आपकी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, आप उसके सर्वेसर्वा हैं एक तरह से देखा जाए तो, जी तो क्या उत्तर प्रदेश को लेकर के, उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर के आपके पास क्या सेटअप है, क्या रोड मैप है? देखिए, अभी तो फिलहाल उत्तर प्रदेश का इलेक्शन निकल चुका है, लेकिन फिर भी कोशिशें चल रही हैं, सेटअप बनाया जा रहा है जिले सतह पर और विधानसभा सतह पर, हर सतह पर तमाम सेटअप बनाए जा रहे हैं। लेकिन अभी हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो है तमाम हिंदुस्तान भर में 2024 के इलेक्शन के, तो उसमें हम पूरी तरह से मुस्तैद और मुताबिक है। जगह जगह पर कमेटियां बनाई जा रही हैं, जगह जगह पर कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम का इनेकाद हो रहा है, जगह जगह पर सुदूर का भी इनेकाद किया जा रहा है, तमाम तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 2024 बहुत करीब आने वाला है। 2024 में मुश्किल तमाम 1.5 साल है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि 24 में जैसे आप एंटर करेंगे तो चुनाव बिल्कुल शुरू हो चुके होंगे। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की आपके पास जिम्मेदारी है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें लोकसभा की वहां पर मौजूद है। आपके पास दो ऑप्शन होगा, या तो आप लड़ें या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें। अगर आप लड़ते हैं तो आप पर ये आरोप लगेगा कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, पपेट हैं। कैसे जनता को आप समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही आरोप वैसे में भी लग रहा है, दूसरे दलों में भी लग रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो बताऊं कि ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी और आर्मा डॉक्टर नौहीदा शेख साहिबा चूंकि इंटरनेशनल शख्सियत है, वो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब छोटी शख्सियत है, और उनके जानने वाले, उनके चाहने वाले पूरे मुल्क भर में है। और उनकी जो पार्टी, जो ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी जो रजिस्टर्ड की गई है, वो नेशनल पैमाने की ही की गई है। और इस पार्टी पर कोई ऐसा कि इस पार्टी ने भेजा है, उस पार्टी ने भेजा है, कोई इसलिए भी इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इस पार्टी ने किसी धर्म, किसी खास विशेष तबके का नाम न लेते हुए एक बड़ी, जिनको बड़ी आबादी, जिनको कि महिलाएं जो है उनके लिए काम करने का प्रयास किया है। लिहाजा इस पर ना धर्म का मामला लग सकता है, ना किसी पार्टी की तरफ से आने का लग सकता है, क्योंकि इस पार्टी की अपनी सोच और अपनी खिदमात भी रही है, इसलिए इस तरह का कोई भी इल्जाम लगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात हम इंडिविजुअल उतरते हैं या किसी पार्टी से इलाहा करके उतरते हैं, वो आने वाले दिनों में तय हो जाएगा इंशाल्लाह कि हमारी पार्टी क्या डिसाइड करती है, हमारी पार्टी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उस वक्त। आपने कहा कि आप बेसिकली वीमेन बेस्ड पार्टी है, महिलाओं को फोकस करेंगे, महिलाओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और जाहिर सी बात है नारी शक्ति एक देश का बड़ा नारा भी है और बहुत बड़ा काम भी है महिलाओं के लिए। अगर आप करना चाहें, काफी स्कोप है, वो कौन से काम है जो आपने महिलाओं के लिए किए हैं और उन कामों को गिनान करके आप जनता के बीच में जाएंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आर्मा डॉक्टर नौहीदा शेख साहिबा जो हमारे सुप्रीमो है, उन्होंने जो भी काम किया है उसको खातिन को, मामले को रख करके, मद्देनजर रखते हुए। वैसे इस पार्टी का नाम जो है वो महिला एम्पावरमेंट पार्टी है, महिला एम्पावरमेंट पार्टी के साथ साथ उसका स्लोगन जो है वो जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, तमाम तबकात के साथ इंसाफ का काम किया जाएगा। लेकिन चूंकि आमतौर पर देखा यह गया है कि खातिन के ऊपर जुल्म ज्यादा होता है, खातिन को हर कोई दबा ले जाता है, कुचल देता है, उनको मजलूम बना देता है, उनको तालीम से और तजारत से दूर रखता है, उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनके लिए तमाम तरह के वादे और वाइद किए जाते हैं लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाता। तो जरूरत इस बात की थी कि महिलाओं के मैदान में, महिलाओं के फलाह बहबूद के लिए, चूंकि अभी तक मुल्क में, हिंदुस्तान में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो उन पर फोकस कर सके। खातिन तो बहुत है, पार्टियां तो बहुत हैं, बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग वादा भी करते हैं कि आएंगे तो महिलाओं के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जॉब देख लीजिए, मेंबर पार्लियामेंट देख लीजिए, या कोई भी तबका देख लीजिए, कोई भी शोभा देख लीजिए, 1, 2, 4, 5 उससे ज्यादा नहीं होती है। जबकि खातिन वो शख्सियत है जो घर चला सकती है, तो घर चलाने के साथ साथ देश भी चला सकती है। तो लिहाजा हमारे सुप्रीमो आर्मा डॉक्टर नौहीदा शेख साहिबा का कहना यह है कि बराबरी का एहसास होना चाहिए और हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। खातिन के ऊपर जो जुल्म होता है, ज्यादती होती है, किसी ने तलाक दे करके निकाल दिया तो किसी ने धुतकार दिया, किसी ने छेड़ दिया तो किसी ने मतलब तमाम तरह से जुल्म और अत्याचार होता है, तो उस पर किसी ने भी दबाव डाला और वो मामला दब जाता है। तो लिहाजा इस तरह के मामला दबे नहीं, औरतों को जलाया ना जाए, औरतों को तलाक दे करके उनको धुतकारा ना जाए। आप रेड लाइटों पर देख लीजिए,
सबसे ज्यादा खातिन और बच्चे होते हैं, लिहाजा अगर उनके साथ इंसाफ करना है तो एक खातिन के जिगर से सोचना पड़ेगा। लिहाजा अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने सोचा कि उन तमाम मैदानों में जहां पर खातिन बेहद कुचली जा रही हैं, बेहद सताई जा रही हैं, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हुए काम किया जाएगा। मुत्रमान, आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, आपने तिजारत की बात की, आपकी नेता तिजारत में आई और काफी गंभीर आरोप लगे। अभी हम हैदराबाद गए थे, कुछ लोगों से बात हुई तो यहाँ तक पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी का पैसा इनके साथ लगा हुआ है। अगर उनसे पूछेंगे, जो लोग ये कहते हैं कि किसी खास वर्ग का पैसा लगा हुआ है, तो वो लोग कोई सबूत नहीं दे सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम सच्चे हो तो सबूत लेकर के आओ। अगर उनसे आप ये पूछेंगे तो वो अगले बगले झांकते हुए नजर आएंगे। आज मैंने बहुत सारे इल्जाम सुने, बहुत तरह की बातें सुनी, लेकिन ये बात जो आपने बताई वो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। वो अगर उनसे कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इनके जरिए से पैसा लगाए हुए ये लोग बात उठा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक इंडिविजुअल शख्सियत की क्या मोहताज है? उसके पास हुकूमत है, हुकूमतें हैं, स्टेट में हुकूमत है, वो तो अपने तमाम काम, अपने तमाम तरह के मामला खुद कर सकती है। वो एक इंडिविजुअल, एक शख्सियत के लिए क्यों आएगी? और कौन सा, मतलब आप खुद बताइए कि कौन सा ऐसा शोभा है जिसमें बीजेपी को पैसा देना चाहिए और डॉक्टर नोहरा शेख को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? कोई ऐसा शोभा आपके समझ में आता है? नहीं आता है। उसके पास हुकूमत है, इंटरनेशनल ताकत है, वो अपने काम करने के लायक है। तो ये बेबुनियाद इल्जाम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। बीते दिन डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब ने इंडिया इस्लामिक सेंटर में इम्पार के फोरम से आवाज उठाई और ये आरोप लगाया कि डॉक्टर नोहरा शेख जैसे लोग और बहुत सारे लोग इस्लामिक बैंक का नारा है, इंटरेस्ट फ्री देकर के नारा देकर के आए और पैसे डूब गए, लोगों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। पैसे डूब गए, अगर जफरुल इस्लाम साहब ने ये कहा है तो उन्होंने सुने सुनाई बातों पर और मीडिया की बातों तक पर ही अपना फोकस किया है और उन्होंने जो स्पीच दी है वो सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बात है। पैसे डूब गए नहीं है, साजिश हुई कंपनी के खिलाफ, कंपनी रुकी, कंपनी को खसारा हुआ, लेकिन डूबने का ना सुप्रीम लोअर कोर्ट ने, ना हाई कोर्ट ने, ना सुप्रीम कोर्ट ने, ना ही कोई शख्सियत, यहां तक कि सीईओ अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा, आज तक उन्होंने ये चीज डिक्लेयर नहीं किया है कि मुझे नुकसान हुआ है। जब उन्होंने नुकसान का खमियाजा आपको नहीं बताया तो डूब गई का नारा कोई क्यों लगा सकता है? तो आपने पैसे नहीं दिए तो लोग क्या समझेंगे? जो साजिश हुई है, अगर कोई कंपनी बंद कर दी जाती है आनंद फानंद, उसके तमाम दफातर पर ताले लगा दिए जाते हैं, उसकी सीईओ को गिरफ्तार करके 2.5 साल तक जेल में रखा जाता है, उसकी हेड ऑफिस से सर्वर को निकाल करके ले जाकर के काट करके ले जाया जाता है, उसके बैंकिंग को, बैंकिंग सेक्टर को तमाम तरह से मुंजमित कर दिया जाता है और उसके प्रॉपर्टीज को समझिए कि अटैच कर दिया जाता है ईडी के नाम पर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने होते हैं उनको तलाश किया जाता है ताकि उनको भी गिरफ्तार करके हरासा किया जाए, तो वो कंपनी की या दुनिया की कौन ऐसी ताकत है जो इन सब वसाइल के ना रहने के बावजूद भी कंपनी चलाने लायक हो जाएगी? जब कंपनी पे आपसे सील लगा दिया, तो ये चीज है कि कंपनी अपनी जगह पर कायम है अल्हम्दुलिल्लाह, एक आजमाइश के दौर से गुजरी है, आजमाइश के दौर से गुजरने के बाद अब बहुत हद तक इस हालत में आ चुकी है कि अब लोगों को पैसे देना शुरू कर दिया। देने की शुरुआत तो बहुत पहले से है, जब कंपनी गिरफ्तारी की हालत में थी, तालाबंदी की हालत में थी, तब भी दिया गया, लेकिन आज की सिचुएशन में अगर देखें तो लोगों के पैसे आज के हिसाब से जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर जाने की जरूरत है, लेकिन आज भी पैसे रुके नहीं है लोगों के जाने के। तो जो लोग आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, जो इस तरह की बातें आती हैं, तो आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? बहुत शातिर लोग हैं, काफी मजी हुई ताकत अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के पीछे लगी है, उनके खिलाफ एक्शन है, ऐसी बात नहीं है। आपको मैं बताऊं, 2012 में, 2008 से मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह फोर्स किया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में हमें इन्वेस्टमेंट दिला दिया जाए, जबकि ये आम लोगों की, उन लोगों के इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में लगते थे जो अपनी तिजारत नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लगते थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा था कि आप हमारे भी पैसे इन्वेस्ट कर लीजिए, हमें भी पार्टनरशिप दे दीजिए, तो उस चीज को इनकार कर दिया गया कि ऑलरेडी आपके कारोबार है, आपके बैंकिंग सेक्टर है। तो 2008 से लेकर के 2012 तक इन्होंने इस बात को फोर्स किया अलग अलग तरीके से। 2012 में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर एफआईआर दर्ज किया और 2016 में वो एफआईआर चलता गया, बहुत सख्त जांच पड़ताल हुई, हाई कोर्ट से असदुद्दीन ओवैसी साहब को हार दस्तियाब हुई, हार गए।
2016 से लेकर के अब तक उन पर मानहानि 100 करोड़ रुपए के दावे के मुकदमा चल रहे हैं। नहीं मुख्यमंत्री, मेरा आखिरी सवाल यह है कि आप ओएसी के खिलाफ काफी मुखर रहते हैं, जबकि अगर आप पॉलिटिकल सेटअप में देखें तो जो काम आप नहीं कर पाए कम से कम ओएसी उस काम को कर रहे हैं, तो नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ओएसी इतने बड़े घालमेल कर रहे हैं तो ये बात आप दुनिया क्यों नहीं बता रहे? देखिए बताया गया है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोगों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अगर आप इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर जाएंगे तो ये चीज आप बड़े बर्मला अंदाज में, मैंने लगातार ये एहतजाज किया है कि अगर इस मामले रहमान के एहतजाज से कुछ नहीं होने वाला है, आपकी पार्टी आपके नेता तमाम लोग उतरे सड़कों पर, उतरे प्रदर्शन करें, लोगों को बताएं कि जिस आदमी को अपना नेता समझ रहे हो तो चीटर है। देखिए ऐसा है कि सिर्फ मुतीउर रहमान ने आवाज उठाई, ऐसा नहीं है। मेरे जानने वाले सैकड़ों हजारों लोग हैं जो इस बात की आवाज उठाते आए हैं, अपनी कलम से भी, अपनी आवाज से भी, और हमारे सीईओ ने भी इस बात को आवाज उठाया है। ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं उठाया है, लेकिन अभी चूंकि मुकदमात के दौर चल रहे हैं, मुकदमात के मामले चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनकी अपनी अनानियत जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की है, उनकी अपनी साजिश, उसको भी पब्लिक देख लेगी और रब्बुल जलाल अल्लाह तबारक व तआला भी देख लेगा। और वो चीज देख रहा है कि वो किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को जज्बाती करके मुल्क में एक भाईचारे के माहौल को तोड़ रहे हैं। वो चीज पब्लिक भी देख रही है, समझदार पब्लिक भी देख रही है। और जो चीज आपने कहा कि नौजवानों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब नौजवानों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, वो नौजवानों को भ्रमित कर रहे हैं, नौजवानों को दिलों में गम गुस्सा भर रहे हैं। जो हिंदुस्तान हजारों साल से भाईचारा का प्रतीक रहा है, मिसाल रहा है दुनिया में, उसको समझिए कि बिरादरीवाद में और तमाम तरह से फिरका परस्ती में वो उस चीज को बांट रहे हैं, खला पैदा कर रहे हैं, जबकि इसी हिंदुस्तान का हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल करके रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी रहेगा। लिहाजा कहीं ना कहीं तालीम याफ्ता लोग, पढ़े लिखे लोग इस बात को जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं, और उलमा तबका ये जानता है कि वो कारोबार के लिहाज से कितने जायज और कितने नाजायज है। ब्रीफ में बताया, बहुत शॉर्ट में आखिरी सवाल मैं आपसे यही है कि आप एक सहाफी थे, आप पॉलिटिकल सेटअप में कूद आए हैं, तो क्या लोकसभा विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे या आगे का क्या इरादा है? देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह की पॉलिटिक्स होती है, एक फ्रंटल पॉलिटिक्स होती है, एक बैकअप पॉलिटिक्स होती है। अब मुझे देखना यह है कि मुझे पब्लिक किस तौर पर पसंद करती है, मैं किन चीजों को साबित कर पाता हूँ, फ्रंटल पर काम करने लायक होता हूँ या बैकेंड पर रह करके काम करने लायक हूँ, ये चीज अपने आप को निखारने का भी मैं काम कर रहा हूँ। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तौफीक दी और पब्लिक ने इस चीज को सराहा कि मैं मैदान में आऊं, तो इंशाल्लाह उतरने से गुरेज नहीं करूंगा। हिम्मत है, हौसला है, हर चीज करने के लिए मैं कदम उठाया हूँ, और सहाफत चीज है हमारे पेशे के लिए, हमारे चीजों के लिए, खिदमात के लिए मैंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया।